दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में 16 जुलाई को 31 सितंबर से 1 अक्टूबर को होने वाले रामलीला के बारे में प्रेस वार्ता कर आयोजक लव कुश द्वारा जानकारी दी गई और रामलीला कमेटी के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने कहा कि रामलीला के माध्यम से वह कलयुग में बदलते हुए पीढ़ी को सतयुग में लाने की एक नायाब कोशिश कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में भोजपुरी एक्टर रवि किशन, टेलीविजन एक्टर अमिता नोगिया, सीबा मानिया मिश्रा जो कि रामलीला का ही एक हिस्सा है। रामायण में खास है हर कैरेक्टर, जैसे सुमित्रा का पुत्र है लक्ष्मण, उसने भी सैक्रिफाइस किया। बता अगर वो चाहता तो मैं भी रह सकता था, लेकिन वो राम के साथ वनवास पे गया। तो आई थिंक सुमित्रा का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर कैरेक्टर रामायण में अपने आप में एक कैरेक्टर है। सो आई वेरी फॉर्चुनेट, पहले मैंने कौशल्या किया था, इनफैक्ट अग्रवाल जी से मैंने बोला था मैं दोबारा कौशल्या करती हूँ, बोले नहीं सिर्फ। सो हर रामलीला में अगर मुझे मौका मिला है तो मैं एक अलग टाइप रोल करना चाहूँगी। पहलू पता है वो कि अपने रोल के और अपने अदाकारी के थ्रू मैं लोगों को समझा सकूँ कि वो एक माँ भी था, वो सिर्फ एक उनको एक डार्क कैरेक्टर बना के रखते हैं। आई वॉन्ट की मैं मिथ को पिछले साल मैंने मंदोदरी का रोल किया था, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। इतने सारे लोगों के सामने रेड फोर्ट पे परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ा। क्या संदेश देगा मैम रामलीला देखने वाले के लिए जो कि इस बार बड़े भाव से जो दर्शक आएंगे उनके लिए आप क्या संदेश? देखिए मैं तो हमेशा एक ही संदेश देती हूँ कि रामलीला जिंदगी का एक एक जिसे कहते हैं मेटाफोर है, मेटाफोर यानी कि एक एनालॉजी है, एक एग्जांपल है। ये इस तरह से हम अपने रिश्तों के बारे में समझ सकते हैं। आज के ज़माने में जब समय नहीं है रिश्तों को देने के लिए, रामलीला या रामायण के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक बाप बेटे का रिश्ता, एक माँ बेटे का रिश्ता, एक पति पत्नी का रिश्ता, एक भाई का रिश्ता एक भाई के साथ कैसे होना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंटेक्ट से सीखें, यानी कि कलयुग को हम सत्य को मिलाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर शिद्दत से कोशिश की जाए तो कोई कोशिश नाकाम। वो हमारे देश के युवाओं के रोल मॉडल हैं, उनको बुलाते हैं रामलीला के अंदर, इसलिए चाहते हैं कि वो लोग भी आके रोल करें ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसको कोई आउटडेटेड चीज़ ना माने और जो इनके अपने जो फॉलोअर हैं वो भी रामलीला से जुड़े और एक अलग तरह की रामलीला का मंचन देखने को मिले। ये सब लोग अपने काम में आ सकते हैं, इनको अपना भाव एकदम लाना, उस तरह से रोल को कर पाना जो सक्षमता इन कलाकारों में है वो शायद अभी सीखने वालों में नहीं है। तो बहुत परफेक्ट लोग इसको करें, ये हम लोगों की पहली प्रायोरिटी। मैं इसमें नारद मुनि जी का कर रहा हूँ और बड़ा आनंद लूंगा, इसमें बड़ा मज़ा आएगा भाई। कलर दाल में जैसे छोंक थे नारद मुनि जी, वही वो नहीं रहते तो आनंद आता ही नहीं। वो कितने लोगों के झगड़े मिटवा देते थे, आने वाले तूफान के आगाह करवा देते, कौन क्या खेल खेल रहा दिमागी वो बता देते थे, यहाँ आपकी बात सुनते थे वहाँ जाके बचा देते थे कि भैया ये करने वाले हैं आप। तो वो बहुत सुंदर काम करते थे अपने जीवन में, वो उनका कार्य बहुत अद्भुत था जिसने बहुत सारे घरों को परिवार को उस ज़माने में बचाया। लीला देखिए, रामलीला देख के इनको रामायण पढ़वाएं, गीता पढ़वाएं, संस्कृति बताएं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे थे, लवकुश कैसे थे, सीता जी कैसे थी, हनुमान जी कैसे थे। तो ये शरीर का भी, हनुमान जी को देखो तो शरीर से प्रेम करना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से तो व्यक्ति को आदर्श कैसे रहना है, छल ना करो, कपट ना करो, चीटिंग ना करो, चोरी ना करो, चमारी ना करो, ड्रग्स के लिए घर पापा के जेब से पैसे ना निकालो। कितने लोग तो शराब के लिए माता पिता को मारने लगते हैं, पैसे नहीं मिलते। तो ये सारी जो हालत है, यूथ को बचाना है हम लोगों को, इस देश का भविष्य बिल्कुल, हम अपना जीवन जी रहे हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है। मैं कौशल्या की सुन रही थी जो राम जी की माँ थी, एंड ये रोल भी बहुत सबर, बहुत कैरेक्टर, एक पतिव्रता औरत, एक हर गुण जो होते हैं स्त्री में वो इस औरत के मूल गुण थे। रामायण के हर रोल में एक अपने आप में एक पूरी कहानी है, तो हर रोल की अहमियत उतनी ही है जितनी दूसरी रोल की है। और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़े से
ही रामायण की यहाँ से कर रही हूँ, फिर मैं उधर से जाऊँगी। चलिए ठीक है, मुझे चुटकी लेना और ये सब लगा करना अच्छा लगता है, तो ये बड़ा ये बड़े दिल से बड़े प्रेम से करता है। अभी तक तो फिल्मों में आपने काम किया, इसमें कितना इंजॉय कर रहे हैं? अभी इसमें बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज ये बचपन से हम रामलीला करते थे, तो गांव में हम सीता जी का रोल, तो मैंने जब थिएटर भी किया था तो मैं सीता जी करता था। मैं 6-7 साल रंगमंच पर सीता जी का रोल किया और मैं बहुत सुंदर सीता हूँ, मैं बड़ी सुंदर स्त्री बनता, तो वो अब भाई अब मेरा शरीर लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन बड़ा आनंद आएगा नारद जी के भी रोल में। अंग जो भी करता हूँ मैं बड़े प्रेम से, मेरा मन तो रावण करने का, मेरे कंधे से हाथ आता ना भाई, मुझे रावण भी मेरे बड़े फेवरेट हैं। रावण चूंकि प्रकार बहुत बड़े विद्वान थे, रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, रावण ब्राह्मण थे, रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, और तो मुझे रावण भी बड़े मेरे फेवरेट किरदार हो। हर जगह देख रहे हैं ड्रग्स बहुत चारों तरफ फैल रहा है और बच्चे लोग इसमें बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो अभी यूरोप और फॉरेन कंट्रीज में सब निकल गया है वो यहाँ पर, वहाँ जो जो चीज़ें वहाँ से आउटडेटेड होती हैं यहाँ पे अपना लेते हैं। यूथ को इससे बचना है, कॉलेज में स्कूल में बड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, बेचने वालों को पकड़ना चाहिए और थोड़ा सा हम लोगों को कड़क होना पड़ेगा, क्योंकि ये लग बहुत गंदे तरीके से बच्चों में घुस गई है। और हम जानते हैं, चूँकि हम ट्रैवल करते हैं, हम बातें करते हैं और मैं सबको देखता हूँ मैं, और मुझे बहुत जगह से पता है कि ड्रग्स एक जैसे कि पता नहीं कोई जान के हमारे देश को खुकड़ा करना चाह रहा है, हमारे युवाओं को ख़त्म करना चाह रहा है। क्या लगता है आप जान के क्या कोई इसके पीछे कोई साजिश है? यू नेवर नो, ऑफकोर्स यस, पड़ोसी मुल्क हमारे दुश्मन भी बहुत हैं, भारत के तो दुश्मन भी बहुत हो गए, बहुत सारे लोग नहीं चाहते भारत शक्तिशाली बने, क्योंकि भारत आज एक बहुत पावरफुल कंट्री बन रहा है और लोग नहीं चाहते, लोग जल्दी तो हैं, बस हम लोग एशिया के सबसे सुपर पावर ना बने। कोशिश जिसे ये करना चाहते हैं, मैं बात करूँ सकती हूँ कि